मैं अमित शुक्ला आज सभी बच्चों का सेमेस्टर एजुकेशन चरण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं आज आप सभी को क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, व्हाट इज इट्स रूट्स एंड हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ओके, फोर्थ चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी, फर्स्ट इन योर कोर्स दैट इज नंबर सिस्टम, सेकेंड आउट ऑफ द कोर्स पॉलीनोमियल्स, थर्ड लीनियर क्वेश्चन ऑफ टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन ऑफ टू वेरिएबल, ये थर्ड है। एंड फोर्थ चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वी डिस्कस व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज इट्स रूट्स एंड हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इफ अकॉर्डिंग टू वी स्टडी प्रीवियस चैप्टर, एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज अ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। लेट अस सपोज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। देयरफॉर पुट हियर द वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस इक्वल टू जीरो इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, टू नो दैट गिवन इक्वेशन अकॉर्डिंग आर नॉट, वी हैव नीड टू टेक द पावर ऑफ द वेरिएबल। द पावर ऑफ द वेरिएबल इज टू हियर, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टेक द मैक्सिमम पावर एंड द मिनिमम पावर बोथ इज टू, देन इक्वेशन आर नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी एक द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें एस क्यू फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज द पावर मैक्सिमम पावर द वेरिएबल इज थ्री, दैट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थ्री अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज कंपल्सरी फॉर अस दैट द पावर ऑफ द वेरिएबल इज टू। अगर पावर द वेरिएबल टू है तो हम कह देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं जो दिखने से क्वाड्रेटिक नहीं लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू थ्री, ये दिख नहीं रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द दिस इन अ पॉलीनोमियल फॉर्म। कैसे पॉलीनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बेटा, x एज एल सी एम एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू थ्री एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, दिस पोर्सन इज द एफ एक्स। हमने पहले डिफाइंड किया है अकॉर्डिंग एफ एक्स इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग इक्वेशन इफ एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, और ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो वी हैव नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन दिस टर्म, एंड इफ एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक देन वी से द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ एफ एक्स इज नॉट अ क्वाड्रेटिक वी से इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन एंड एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस वन एक्स प्लस फाइव ले लेते हैं। अब इसको हमें देखना है इट इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट क्वाड्रेटिक। कन्वर्ट दिस टाइप एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स टू से मिलीमीटर टू एक्स प्लस टेन एक्स स्क्वायर कैंसिल थ्री एक्स प्लस नाइन माइनस सेवन एक्स प्लस नाइन माइनस टेन इक्वल टू जीरो
that is minus 4x on 19 minus 8 equal to 0 plus 8. So that is not a quadratic. It is a quadratic, it is not a quadratic equation because the power of the variable is 2 here. So first of all, if you want to such that the given equation is quadratic or not, first of all convert the given equation in fx equal to 0. If fx is a quadratic polynomial, then the equation is a quadratic polynomial. अब छोटी भावों में देखो तो आपको देखना है कि x की घात कितनी है, सिंप्लीफाई करने हो, यहाँ x स्क्वायर है, आप डायरेक्ट कर देंगे क्वाड्रेटिक गलत हो जाएगा, हाँ सही हो सकता है, अगर मैं यहाँ 2 कर दूँ तो ये सही हो. तो फर्स्ट आप हम इसको पहले सॉल्व करेंगे और इस फॉर्म में चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है. ठीक है, तो अब ये था बेटा हाउ टू नो दैट द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट अ क्वाड्रेटिक. अब सेकंड है व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वायर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट. ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट है. तो दिस इज द कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज पावर कितना है, 2 है एंड ए बी सी आर कॉन्स्टेंट. बट एक यहाँ और शर्त है, वो शर्त है ए नॉट इक्वल टू जीरो. अगर कहीं ए जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इट इज़ अ क्वाड्रेटिक. ए के प्लेस पे 3 है, बी के प्लेस पे 5 है, सी के प्लेस पे 6 है एंड 3, 5, 6 क्या है बेटा, 3, 5, 6 आर कॉन्स्टेंट. 5, 6 क्या है, कॉन्स्टेंट है. ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने के लिए क्या करेंगे, पावर 2 होना चाहिए. व्यापक द्विघात समीकरण क्या होती है, जिसे अंग्रेजी में जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक बोलते हैं, वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो और ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंपलसरी है, ए को जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, अभी फाइंड व्हाट इज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाउ, डेफिनेशन देखते हैं व्हाट इज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीसन, व्हाट इज द डिफिनीसन ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाट इज द डिफिनीसन ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो बेटा द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नोन एज रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हिंदी में है कि चर की वे सभी मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं उनके मूल कहलाते हैं. ठीक, क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण में प्रयुक्त चर के वह सभी मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं मूल कहलाते हैं. ऑल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नोन एज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो उसे हम उसका क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8. तो अगर हम x इक्वल टू माइनस 2 पुट कर दें तो भी ओबटेन माइनस 2 स्क्वायर 6 माइनस 2 प्लस 8 LHS ले रहे हैं 2 स्क्वायर 4 6 टू 12 प्लस 8 8 4 12 12 माइनस 12 गिव्स अस 0 दैट इज द RHS. सिमिलरली टेक x इक्वल टू माइनस 4 माइनस 4 स्क्वायर 6 इंटू माइनस 4 प्लस 8 LHS ले रहे हैं बेटा. वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द x इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. द 4 स्क्वायर इज 16 4 4 24 प्लस 8
that gives us 24 minus 24, that is the 0, that is also the RHS. Therefore, x equal to minus 2 and x equal to minus 4 satisfy the given quadratic equation. Thus, roots of given quadratic equation is minus 2 and minus 4. तो चर के वे सभी मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, दे आर नोन एज रूट्स, उन्हें मूल कहा जाता है या अंग्रेजी में रूट्स कहते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड, कैसे हम जानें कि ये दो और चार ही होता है। हाँ, एक चीज़ और देख लो, इसकी पावर कितनी है, दो है, तो रूट्स कितने मिले बेटा, दो। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती होती है उसके रूट्स कितने होते हैं, दो होते हैं। अब रूट वो जो रूट है वो आपका इक्वल रूट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो इसमें एक्स इक्वल टू माइनस टू ही पुट करो तभी आएगा, यानी इक्वल रूट्स हो जाएंगे। तो अगर इक्वल रूट्स है तो एक ही लिखेंगे, लेकिन ये दो बार रिपीट करेगा तो दो होंगे। हाँ, इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं चाहे इमेजिनरी हो चाहे रियल हो, द इक्वेशन होल्ड ओनली टू वैल्यू टू रूट्स। ओके, अब मैथड टू फाइंड आउट द रूट, टाइम इज मैथड टू फाइंड आउट द रूट्स। फर्स्ट मेथड बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड बाय स्क्वायरिंग मेथड और थर्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला मेथड। तो पहला है हमारा दिए हुए द्विघात समीकरण को का गुणनखंड कर लें और गुणनखंड करने के बाद उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा, रूट्स मिल जाएगा। सेकंड मेथड क्या है बेटा, टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना लें और फिर हम उसके रूट्स फाइंड कर लें। और थर्ड क्या है, बाय यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूले को हम श्रीधराचार मेथड कहते हैं। दिस फार्मूला नोन एज श्रीधराचार मेथड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड, व्हाट इज द फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर दिस द गिवन न्यूमेरिकल इज दैट। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, फैक्टराइज करेंगे। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4, तो दैट गिव्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। ओके, फिर x कॉमन ले लो x प्लस 2, 4 कॉमन ले लो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 कॉमन है बोथ साइड x प्लस 2। ओके, वी हैव x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर x प्लस 2 को 0 करते हैं तो 0 इंटू दिस 0, और x प्लस 4 को 0 करते हैं तो 0 इंटू दिस 0। ओके, बोथ पॉसिबल, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू माइनस 4। दस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर माइनस 2 माइनस 4। ओके, दिस मेथड्स आर नोन एज बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब एक नंबर को और कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, इसको सॉल्व करना है बेटा। फिर 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 3 15 एंड 5 3 8, ब्रेक कर दो क्या पाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0। एक्स इज अ कॉमन एक्स प्लस 3, 5 इज अ कॉमन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इज अ कॉमन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0,
अब x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू माइनस 5, देयरफॉर दस रूट्स आर क्या मूल होंगे बेटा, माइनस 3 और माइनस 5 हो जाएंगे। थैंक्स सर, वी डिस्कस द क्वाड्रेटिक, व्हाट इज द सेकेंड एंड थर्ड मेथड, वी डिस्कस नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू।